आप सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और यदि आप कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 अथवा कक्षा 12 के छात्र हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आदिकाल के कुछ प्रमुख रचनाकार व उनकी रचनाएं याद करने की साधारण और सबसे धांसू ट्रिक। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आदिकाल के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाओं के बारे में बताऊंगा। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आदिकाल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं व उनके रचनाकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले रचनाकार हैं दलपत विजय, और दलपत विजय की रचना है खुमाड़ रासो। दलपत विजय की रचना का नाम क्या है? खुमाड़ रासो। दूसरे रचनाकार हैं चंद बरदाई, और चंद बरदाई की रचना है पृथ्वी राज रासो। बोर्ड परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछा गया है, चंद बरदाई की रचना का नाम लिखिए तो पृथ्वी राज रासो, या प्रश्न आ जाए पृथ्वी राज रासो किसकी रचना है तो चंद बरदाई की रचना है। अगले रचनाकार हैं सारंगधर। सारंगधर की रचना है हमीर रासो। क्या है? हमीर रासो। अगले रचनाकार हैं नल सिंह, और नल सिंह की रचना है विजय पाल रासो। आदिकाल के अगले प्रमुख रचनाकार हैं जगनिक, और जगनिक की रचना का नाम है परमाल रासो, और परमाल रासो को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है आल्हाखंड। किस नाम से जाना जाता है? आल्हाखंड के नाम से भी जाना जाता है। अगले रचनाकार हैं नरपत नाल, और नरपत नाल की रचना का नाम क्या है? बीसल देव रासो। और अगले रचनाकार हैं केदार भट्ट। केदार भट्ट की रचना का नाम है जय चंद्र प्रकाश। और अब आदिकाल के अगले रचनाकार कौन हैं? मधुकर, और मधुकर की रचना है जय मयंक जस चंद्रिका। जय मयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है? मधुकर जी की रचना है। अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं इन रचनाओं के बारे में कि इन वीर गीत काव्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय काव्य आल्हाखंड है, जिसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? परमाल रासो के नाम से भी जाना जाता है, जिसके लेखक कौन हैं? जगनिक। और जगनिक द्वारा रचित इस काव्य में महोबे के दो प्रसिद्ध वीरों, जिनका नाम क्या था? आल्हा तथा उदल, और उदल को उदय सिंह भी कहा जाता था, के वीर चरितों का विस्तृत वर्णन हुआ है। किस रचना में? परमाल रासो में या आल्हाखंड में। और यह बहुत ही लोकप्रिय काव्य है। परमाल रासो अर्थात आल्हाखंड आज भी वर्षा ऋतु यानी बारिश के मौसम में उत्तर भारत के प्रत्येक गांव में ढोलक की थाप के साथ गाए जाते हैं। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ आदिकाल के रचनाकार और उनकी रचनाओं को याद करने की धांसू ट्रिक। जी हाँ, इस ट्रिक को आप याद कर लेंगे तो इन आदिकाल के रचनाकार और उनकी रचनाओं को आसानी से याद कर सकेंगे। तो चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रिक्स क्या है। दल खुमाड़ चंद पृथ्वी, दल खुमाड़ चंद पृथ्वी, सारंग हमीर नल विजय, जगनिक परमाल नर बीसल, केदार जय मधुमयंक चंद्रिका। दल खुमाड़ चंद पृथ्वी, सारंग हमीर नल विजय, जगनिक परमाल नर बीसल, केदार जय मधुमयंक चंद्रिका। इस ट्रिक को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। दल यानी दलपत विजय की रचना का नाम क्या है? खुमाड़ रासो। और चंद यानी चंदर बरदाई की रचना का नाम क्या है? पृथ्वी राज रासो। और सारंग यानी सारंगधर की रचना का नाम क्या है? हमीर रासो। और नल यानी नल सिंह की रचना का नाम क्या है? विजय पाल रासो। क्या रहे रचना का नाम? विजय पाल रासो। और जगनिक यानी जगनिक की रचना का नाम क्या है?
परमाल रासो जिसे आल्हाखंड भी कहा जाता है, नर यानी नरपत नाल की रचना का नाम क्या है? बीसल देव रासो जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। केदार यानी केदार भट्ट की रचना का नाम क्या है? जय चंद्र प्रकाश। और मधु यानी मधुकर की रचना का नाम क्या है? जय मयंक जस चंद्रिका। तो ये छोटी सी ट्रिक मेरे द्वारा बनाई गई है आप सभी की मदद के लिए। यदि आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर यदि पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, और हमारे साथ जुड़कर आप अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते रहिए। मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद।